धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु है सच्चा गढ़िया, I'm
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा जीवन की ज्योति।
Thank you.
धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है I'm not afraid.
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हमें आते आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता सारे पिता हमें आते हैं सारे पिता
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से अपने वचनों को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होना है, उद्धार यानी छुटकारा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वह दयावंत है, वह करुणा निधान दया का सागर है, वह हर एक से प्रेम करता है और हर एक के प्रेम को पाकर वह प्रसन्न भी होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है और आपका प्रेम सिर्फ स्वार्थ भरा प्रेम ना हो, बल्कि आपका प्रेम परमेश्वर की महिमा के के लिए उत्पन्न हो। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन रहना सीखिए। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य उसके अधीन रहे, उसकी महिमा करे, उसकी बड़ाई करे, उसकी प्रशंसा करे। जैसे राजा दाऊद परमेश्वर की महिमा में हमेशा लवलीन रहता था, परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा तैयार रहता था, ठीक उसी प्रकार आप भी हमेशा उसकी महिमा, उसको धन्यवाद देने में, उसकी बड़ाई करने में हमेशा तैयार रहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी अगले दिन आपने भजन संहिता के अध्याय 13 और 14 अध्याय के वचनों को आपने देखा। भजन संहिता के अध्याय 13 और 14 की जितनी वचन है, मैंने उस वचनों को प्रभु की अगुवाई में होकर आपको समझाया। आज प्रभु ने भजन संहिता के अध्याय 15 और 16 वचन को दिया है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आइए हम देखते हैं उस वचन को। भजन संहिता अध्याय 15 वचन 1 से, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने पवित्र और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन जो है, इस वचन को राजा दाऊद जो है भजन के माध्यम से बता रहा है, सारी बातें इसमें लिख रहा है। और वो भी बातें किसके प्रति? परमेश्वर के घर के प्रति, जहां हमारा परमेश्वर रहने वाला स्वर्ग के अंदर। वह परमेश्वर से सवाल करता है कि हे परमेश्वर, कौन है जो तेरे तम्मू में रहने पाए? तेरा बनाया गया जो नगर है उसमें कौन रहने पाएगा?
कौन उसमें रहने के लायक है मुझे बता। राजा दाऊद उस परमेश्वर से भजन के शब्दों में वह सवाल कर रहा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, तेरी पवित्र जगह में कौन रहने पाएगा, कौन है उस लायक। जब इतनी बात वह परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर उसे जवाब देते हैं, कहते हैं कि वह मनुष्य बसेगा, वह मनुष्य रहेगा मेरे तंबू में, वही मनुष्य रहेगा मेरे पवित्र पर्वत पर, वही मनुष्य बसने पाएगा जो खराई से चलता है, जो निष्पाप निष्कलंक होता है, जिसके अंदर कोई पाप का ठप्पा नहीं है। कहता है वह मनुष्य जो खराई से जीवन जीता है और धर्म के काम करता है, कहता है वही मनुष्य है जो हमारे तंबू में रहेगा और पर्वत पे बसेगा, जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपने हृदय से सच बोलता है। कहता है वही है जो रहेगा और वही है जो बसने पाएगा। कहता है जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता, जो व्यक्ति अपने जीभ से किसी की निंदा नहीं करता वह व्यक्ति वहां पे बसेगा और न अपने मित्र की बुराई करता है। कहता वह मनुष्य वहां रहने पाएगा, वह मनुष्य वहां बसने पाएगा कि जो अपने जीभ से किसी की निंदा नहीं करता और ना ही अपने मित्र की बुराई करता है। कहता है ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। कहता है वह व्यक्ति भी स्वर्ग में जाएगा, उसके पर्वत पे बसने पाएगा जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। जैसे में कोई आकर कहता है भैया तेरा पड़ोसी बहुत बेकार है, तेरे साथ ऐसा ऐसा घात करता है और तू उसको कुछ नहीं करता, वह ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचता है, ये है वो है। बहुत से हैं लोग जो पड़ोसी की जो चुगलाई आकर करते हैं। तो यहां वचन कहती है कि वह मनुष्य धन्य है जो पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। अगर कोई आकर पड़ोस में रहने वाले मनुष्य की निंदा करना चालू कर दे तो वचन कहती है कि वह मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में धन्य है जो वह तंबू में रहने के लायक होगा, वह सियोन पर्वत पे बसने के लायक होगा। कौन? कि जो अपने पड़ोसी की निंदाओं को सुनता नहीं है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। कहता है कि वह मनुष्य उस तंबू में रहने पाएगा, उस पर्वत पे बसने पाएगा कि जिसकी दृष्टि में निकम्मा आदमी, जो बिल्कुल निकम्मा है, वह परमेश्वर के कामों की तरफ मन नहीं लगाता, जो ऐसे व्यक्ति को कहता है कि वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो ऐसे निकम्मे मनुष्य को तुच्छ समझता है, कहता है कि वह मनुष्य वहां बस नहीं पाएगा। वह जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो परमेश्वर के भक्तों का या परमेश्वर से भय खाने वालों का आदर और सम्मान करता है, कहता है वह जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि क्यों न उठानी पड़े। कहता है वह आदमी जो किसी काम के लिए शपथ खा लेता है और खाने के बाद मुकरता नहीं बल्कि उस काम को पूरा करता है चाहे भले से उसको हानि क्यों न उठानी पड़े। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह दिए, वादा कर दिए तो जरूर है कि उसे पूरा करते हैं, बदलते नहीं है, संकट देखकर वहां से भागते नहीं बल्कि अब जो शपथ खाई है, जो शपथ खाई है शपथ के अनुसार क्या करते हैं, कार्य को करते हैं चाहे हानि क्यों न उठाई पड़े। कहता है जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, कहता वह मनुष्य भी उस तंबू में रहेगा और वहां पवित्र पर्वत पे बसने पाएगा जो ब्याज, जो अपना रुपया ब्याज से नहीं बांटता, जो ब्याजी रुपया नहीं बांटता,
और ब्याज से कमाता नहीं, कहता ऐसा मनुष्य भी वहां बसेगा और निर्दोष की हानि करने के लिए घुस नहीं लेता। कहता है किसी दूसरे मनुष्य या निर्दोष आदमी को हानि पहुंचाने के लिए जो मनुष्य घुस नहीं लेता, कहता है कि वह भी क्या करेगा, वहां बस नहीं पाएगा। वचन कहती है कि जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। जो कोई मनुष्य ऐसी चाल चलता है जैसा आपने सुना, वह अपने जीवन में कभी डगमगाने नहीं पाएगा। वह अपने जीवन में कभी डगमगाने नहीं पाएगा। वचन कहती है कि ऐसा मनुष्य ही जितने ऐसे विचार, ऐसे चाल चलन, ऐसे स्वभाव के होंगे, वे ही परमेश्वर के तम्बू में रहने पाएंगे और उसके पवित्र पर्वत पे बसने पाएंगे, अर्थात उस स्वर्ग के राज्य में पहुंचने पाएंगे। इस वचनों के माध्यम से राजा दाऊद हमें बता रहा है कि यदि तुम उस परमेश्वर के घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा बनना। आगे 16वां अध्याय में वह क्या कहता है, 16वां अध्याय में वह परमेश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करता है और उसे अपनी विनती को प्रकट करता है। कहता है हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। कहता है हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। कहता है हे परमेश्वर तू मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैंने तुझे क्या किया है, शरणागत समझ लिया है। क्योंकि मैंने तुझे क्या किया है कि मैं तेरे शरण में आ गया हूँ और मैं तेरा शरणागत बन गया हूँ। कहता है हे प्रभु तुम मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, मैं तेरे शरण में रहने वाला हूँ, तेरे शरण में जीवन बिताने वाला हूँ। तुझे अपना शरण स्थान समझ लिया है, तुझे अपना गढ़ मान लिया है। कहता है इसलिए हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर। इतनी बातें कहने के बाद फिर दाऊद कह रहा है परमेश्वर के प्रति प्रेम के प्रति बातें कह रहा है मैंने परमेश्वर से कहा कि तू मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। कहता है कि मैंने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई करने वाला कोई नहीं है, तू ही है जो मेरी भलाई करेगा। कहता है पृथ्वी पर तो पवित्र लोग वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। कहता है जो पृथ्वी के पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलने वाले, उसके बातों को मानने वाले जितने भी लोग हैं, जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, कहता है कि उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। कहता है ऐसे लोगों से मैं प्रसन्न रहता हूँ। कौन कहता है, परमेश्वर कहता है। ये परमेश्वर की बातों को यहाँ दाऊद कह रहा है कि पृथ्वी पर जो पवित्र हैं वे आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। कहता है जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। कहता है जितने पराये देवता को यानी अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के तरफ भागते हैं, विश्वास गढ़ाते हैं और अपने जीवन का आधार अपना शरण स्थान समझते हैं, तो यहाँ वचन कहती है कि उनका दुख बहुत तेजी से बढ़ेगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने ओठों से नहीं लूंगा। मेरे प्रियो वचन कह रही है कि परमेश्वर कहता है कि जो कोई मनुष्य पराए देवता के पीछे भागता है मैं उनके दुखों को बढ़ा दूंगा, मैं उनके अधर्म का जो लहू का अर्घ है उसे नहीं चढ़ाने वाला और उनका नाम अपने ओठों पे नहीं लूंगा। परमेश्वर कहता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं मैं उनके नाम तक को ओठों पे नहीं लूंगा, वे सब के सब क्या होंगे कि नाश किए जाएंगे, वह दुख के भट्टी में डाले जाएंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए तकलीफ उठाएंगे। इसलिए वचन कह रही है
यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रख। वह दाऊद कह रहा है, वह दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है, यानी वह मेरा परमेश्वर है और मेरे जीवन का एक आधार है। मेरे भाव को तू स्थिर रखता है, कहता है परमेश्वर तू मेरे जीवन को तू एक जगह पे स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है, कहता है मेरे लिए जो माप की डोरी है, कहता है उस मन भावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। वह मन भावना स्थान कहाँ है? स्वर्ग में। कहता है मुझे तौलने के लिए, मुझे मापने के लिए कि मैं परमेश्वर के लायक कैसा हूं, वह इस बात को जानने के लिए वह जो डोरी है वह कहाँ है कि उस स्वर्गीय स्थान में पड़ी हुई है। कहता है मेरा भाग मन भावना है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ। दाऊद कह रहा है कि मैं उस परमेश्वर को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, इसलिए मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद कहूँगा, उसे धन्य कहूँगा क्योंकि उसने मुझ में सम्मति दी है, मेल मिलाप की भावना प्रकट की है, एकता दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है, कहता है मेरा मन भी रात के समय मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, कहता है मैं हमेशा अपने परमेश्वर को अपने सामने रखा, मैं हमेशा उसे अपने मन में अपने ध्यान में रखे रहा, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है मैं कभी न डगमगाऊंगा। वचन कह रही है कि इसलिए कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे दाहिने हाथ रहता है, इसलिए मैं कभी डगमगाने वाला नहीं, कभी गिरने वाला नहीं हूँ। कहता है कि मेरा जो परमेश्वर है हमेशा मेरे दाहिनी ओर खड़ा रहता है, इसलिए मैं कभी डगमगाने वाला नहीं। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, कहता है इसीलिए मेरा जो हृदय है वह आनंदित है, मेरी आत्मा जो है वह मगन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे दाहिनी ओर हमेशा खड़ा रहता है, इसलिए मैं कभी डगमगाने वाला नहीं। कहता है कि इसी कारण मेरा जो हृदय है, परमेश्वर के इसी प्रेम के कारण जो मेरा हृदय है वह आनंदित होता है, मेरी आत्मा हमेशा मगन रहती है, हमेशा आनंद से झूमती रहती है। कहता है मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, इसी कारण मेरा शरीर अब क्या होगा, हमेशा चैन से रहेगा, आराम से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। कहता है हे परमेश्वर इसलिए क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अधोलोक से बाहर करके अपने जीवन में तू ले लेगा, मेरे प्राण को अपने जीवन में तू ले लेगा, हमें अधोलोक में तड़पने के लिए चिल्लाने के लिए नहीं छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। राजा दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो अपने पवित्र भक्तों को, जो उसका भय मानने वाले हैं, उसके मार्गों पे चलने वाले हैं, वचन कहती है कि वह ऐसे लोगों को वह कभी सड़ने नहीं देगा, कभी दुख में विपत्तियों में नाश होने नहीं देगा। कहता है न अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। कहता है दाऊद कह रहा है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, बल्कि तू मुझे सड़ने तो नहीं देगा, बल्कि उसके अलावा तू क्या करेगा, मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हे परमेश्वर तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा कि किस मार्ग पे चलने से जीवन प्राप्त होता है, किस मार्ग पे चलने पर हमें जीवन मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 की 6 वचन कहती है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में
नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने स्वयं इस बातों को कहा और वही बात यहां पे कहती है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। किस कौन सा रास्ता जीवन की तरफ लेकर जाएगा, कौन अनंत जीवन देगा, तू क्या करेगा, मुझे रास्ता दिखाएगा। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखाया। उसने यीशु मसीह को हमारे बीच में भेज दिया, उस रास्ते को हमारे बीच में भेज दिया कि जिस रास्ते के द्वारा हमें स्वर्ग का जीवन मिले। इसलिए वचन कहती है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी होगी। कहता हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तेरे नजदीक, तेरे निकट, तेरे पास आनंद की भरपूरी है। कभी दुख नहीं होता है, कभी तकलीफें नहीं होती है, क्योंकि जो कोई तेरे पास, तेरे समीप रहता है वो सदैव आनंदित और मगन होता है। इसलिए आगे वचन कहती है कि तेरे दाहिने हाथ में, कहता है कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हे परमेश्वर, दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर, तेरा जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ में हमेशा सुख भरा रहता है, सुख हमेशा भरा रहता है तेरे दाहिने हाथ में। सच में हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, वो अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमारे जीवन की रक्षा की बातें करता है। क्योंकि आप यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41 वचन 10 को देखोगे, वहां पे परमेश्वर कहता है मत डर मैं तेरे संग हूं। कहता है मत डर मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल कर रखूंगा। वो परमेश्वर कहता है अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाल कर रखूंगा। हमारा परमेश्वर हमें संभालने की बातें करता है, इसलिए कहता है कि तेरे इसलिए दाऊद कह रहा है कि तेरे दाहिने हाथ से हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हे परमेश्वर, तू ऐसा सुख देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर है, तू ऐसा दयावंत परमेश्वर है कि तेरे दाहिने हाथ से हमेशा सुख शांति चंगाई की आशीष से बरसती रहती है। हमेशा सुख बरसता रहता है, हमेशा आनंद बरसता रहता है, हमेशा शांति बरसती रहती है। इसलिए मेरे प्रियो, वह जो हमारा परमेश्वर है वह हमारा रक्षक है। हमें हमेशा उस परमेश्वर के अधीन होकर हर बात के लिए उससे प्रार्थना करना चाहिए। मदद की जरूरत है, मदद मांगना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई आनंद की बातें प्रकट हुई तो परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, उसकी बड़ाई करना चाहिए, उस परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगना है, उसके मार्ग पे चलना चाहिए। और हमेशा ऐसा मनुष्य करने वाला हमेशा परमेश्वर की ओर से आशीष पाए। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए और विश्वास रखकर उस परमेश्वर से हमेशा विनती प्रार्थना करते रहिए, जैसा राजा दाऊद वो हमेशा अपनी प्रार्थना, अपनी विनती के द्वारा परमेश्वर से अपनी बातें कह रहा है और उसको सुना रहा है। ठीक उसी प्रकार आप भी परमेश्वर के प्रति विश्वास रखिए और परमेश्वर के प्रति ध्यान करके अपनी सारी बातें आत्मा में होकर अपनी प्रार्थना के समय उस परमेश्वर से सुनाइए। जरूर है कि वह सुनेगा और आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपके दृष्टि में ऐसे लोग हैं जिन जिन लोगों से मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए।
हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। पूरे विश्वास से यह महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो और प्रभु से कह कर कि हे प्रभु फला मनुष्य जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है, लेकिन हे प्रभु आज तो मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहे। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाइश्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दाइश्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, व्यभिचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कहकर ठट्ठे मारे हैं, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है, प्रभु ने एक काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानियां, मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां है। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं, मेरे पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां हैं, मेरे नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है, बहुत मेहनत करता हूं बचता नहीं है, मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती। मेरे पाप का कारण है जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है, मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है। क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप में मेरे जीवन को बांध दिया है और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है कि नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है, इसलिए प्रभु मुझ पे दया करिए, मुझे माफी दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए, आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उसे माफी मांगिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन
मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है प्रभु, उन्हें माफ कर, माफी कर दे, क्षमा कर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु, अपनी आत्मा को रुला कर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो। सुनो मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, जिसके शरीर में जहां बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे, जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो बीमारी पे हाथ रखे, जिसके शरीर में कई बीमारी हो दोनों हाथ सीने पर रखे, जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है वह भी दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर। इनके शरीर में जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा अनिश्चितता के लिए नष्ट कर, क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता। हे परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे शाप और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता हूं, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। वो मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर हर के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए, प्रभु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, प्रभु के नाम से आगे तो आंख की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए, प्रभु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारे पेट का दर्द, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए, कितने भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, प्रभु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, प्रभु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए,
जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए, प्रवेशु के नाम से आगे देता हूं। फीलिया स्टेनोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए, प्रवेशु के नाम से आगे देता हूं। जिसके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हरेक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हरेक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हरेक के जीवन में, हरेक के घर में, हरेक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदो भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी दे, हे परमेश्वर जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी में, गरीबी के श्राप में, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से, हे परमेश्वर स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सबके सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा को सुले। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हरे को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ रावा रंदा लावा से केरे वासा खाला रंदो से केरे निर्वासी के लिए दे। ओ रावा 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 रंदा लावा से केरे निर्वासा खाला रा। ओ शिकार आरा रा लावा लावा से रे निर्ले उस सुखो रंदवासा खरा निर्ले वसे ले रे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हरे के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हरे को तेरी आशीष, हरे को तेरी आशीष प्राप्त हो, जिनके जीवन में जो परेशानियों आज यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर, इनके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर कोई परेशानियां हो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता, कि हे परमेश्वर इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। हर दुष्ट आत्मा है, हर दुष्ट आत्मा है, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, का जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे।